मच। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा मतलब ओरपेनों के लिए, मतलब जो अनाथ है उनके लिए काम करने के लिए आया है यहाँ पर। ऑल अरुणाचल प्रदेश ओरपेन वेलफेयर सोसाइटी का मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमिटी हुआ होगा, लेकिन आज जो है नया जो कैबिनेट है, जो नया जिनको कैबिनेट दिया गया है, पोस्ट दिया गया है, उनका आज फोर्ट टेकिंग सेरेमनी है। इसमें मुझे एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर, उसके बाद स्पेशल इन्वाइटेड के तौर पर हम लोगों को बुलाया, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अरुणाचल में जितना भी जो अनाथ को लेकर के ऑर्फेन जितना भी पॉपुलेशन है उसको लेकर के ये सोसाइटी जो आने वाला समय में काम करेंगे, इससे हमको कवर मिला। साथ ही साथ ये सोसाइटी जो है 2016 को रजिस्ट्रेशन किया है और 2016 से ये लोग काम करके आ रहा है। तो आने वाला समय में ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो ऑर्फेन है, जितना जो अनाथ है, उनके लिए ये लोग काम करेंगे, इससे उम्मीद कर। ठीक है रे मम्मी सर, आज आप स्पेशल इन्वाइटी तगन संजय सर के साथ आए हैं, तो क्या कहेंगे सर? आज का प्रोग्राम तो बहुत ही और जिस आदमी को हम लोग देखता था नाम चीन आदमी का था, और जितना जो एग्जीक्यूटिव मेंबर था जो मेरी वर्कशॉप पर देख के लगते थे, बाकी ये सब सोशल काम कर सकते हैं सर, काफ़ी लगते और आने वाला तो हम लोग वही जो ओपन है जिसका माँ पिता जी ने उसको जानकारी करके उसको पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू। जो सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज आज जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज के इससे बहुत बड़े कार्यक्रम में मुझे एक स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पे, मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इतना तो मैं काबिलियत हूँ नहीं कि मैं आप लोगों के समक्ष एक गेस्ट बन के बैठ सकूँ। मैं भी एक आम इंसान ही हूँ अभी के समय में, और मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आने वाला समय में आप भी समाज के लिए ही काम करेंगे। और दूसरा जो है आज के जो स्पेशल जो इन्वाइटी है श्री हिक्के रे मम्मी, आप हम दोनों यहाँ पर आज गेस्ट के तौर पे आए, और आप लोगों का जो कार्यक्रम का हम दोनों इसका जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है इसका गवाह हम दोनों को बनने का मौका मिला, और उनके जो मैडम है आपको भी शुक्रिया, आप भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जब ओरपेन की हम बात करते हैं, हिंदी में अनाथ बोलते हैं, अनाथ मतलब जिसका कोई माँ पिताजी ना हो, और अभी सर ने खुद बताया कि ये भी इसका शिकार हो चुका है। और जब मैं बचपन हुआ था, बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय भी हम लोग को ये खबर मिलता था कि जो ओरपेन होता है, जो अनाथ होता है, उसको जो है दूसरा बेल्ट को तो पता नहीं, हमारा जब स्पेशली हम लोग डीसी बेल्ट में जब बोला जाता है तो उसमें उस समय अनाथ को जो है बहुत डोमिनेट किया जाता था, क्योंकि जब आप माँ पिताजी जब मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस समय जो है एक अनाथ को, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, उनको जो है अपना भैया का घर में या फिर दीदी का घर में या जीजा का घर में रहना पड़ता था। तो उसमें तरह तरह का मतलब उसको जो है मुसीबत उठाना पड़ता था, क्योंकि उस समय आज से 20 साल पहले आप सोच के देखिए, 30 साल पहले सोच के देखिए, उस समय गैस कनेक्टिविटी नहीं था, तो हमेशा केटी जाना पड़ता था, लकड़ी उठाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, बर्तन धोना पड़ता था। मैं भी कुछ बर्तन धोया हूँ जब स्कूल के समय में, बर्तन धो कर कुछ खाना बनाया करता था एक समय। तो ऐसे होकर के हमारा निश्चित समाज में ऐसे होता था, लेकिन अभी अच्छा एक रेगुलेशन आ करके इन चीज़ों को कम कर दिया है कि अनाथ को कैसे आप लोग उसको आगे ले चलना है। ऐसे तो अभी मैं इस विषय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। मतलब अनाथ किसको बोलते हैं आप लोग? मेरा तो माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, मतलब बचपन में ही गुजर गए, और अभी एक अनाथ होने का दर्द तो मैं कुछ समझ सकता हूँ कि एक अनाथ को कितना मुसीबत झेलना पड़ता है, क्योंकि आपको जब माँ पिताजी, क्योंकि आपका माँ या फिर पिताजी चाहे भले ही मतलब जितना गरीब क्यों ना हो, दुनिया में ऐसे कहा जाता है ना, अगर आपका माँ पिताजी भले ही बहुत गरीब हो, लेकिन एक इंसान को उनका माँ पिताजी का साथ रहना वो सबसे अमीर कहलाएगा। क्योंकि आज के समय में मैं जब किसी का माँ पिताजी को देखता हूँ, जैसे सर ने कहा है, मैं भी कुछ दुख होता हूँ कि काश मेरा माँ पिताजी भी होता तो आज के समय में मुझे कोई हर समय जो है आशीर्वाद देने वाला होता, कि मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ, कहीं न्यूज करने जा रहा हूँ, सबसे कम मेरा पिताजी ये बोलता कि बेटा ये संभाल संभाल के करना, या फिर माँ ये बोलता कि खाना वाना सही से खाना, हेल्थ को केयर करना, इसे बोलने वाला होता है। लेकिन आज के उसके बदले जो है अपना जो धर्म पत्नी है वो होता है, लेकिन धर्म पत्नी भी तो वो सब को तो फुलफिल नहीं कर सकता ना, जो माँ पिताजी का जो सही प्यार होता है। तो वहाँ से मैं भी मतलब एक सिखा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि
माँ पिताजी का कमी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कमी है, वो सबसे बड़ा गरीब जो है जिसका पास माँ पिताजी नहीं होते। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आज आप करोड़ का मालिक क्यों ना हो, जब आपके सामने माँ और पिताजी नहीं रहता ना, उस समय भी आपको लगता है कि मैं आज भी गरीब हूँ, क्योंकि माँ और माँ पिताजी को तो आप पैसा से नहीं तोड़ा जा सकता ना, वो तो भगवान का सम्मान होता है। तो ऐसे में एक अनाथ रहना ही एक तरफ से बहुत अभिशाप है हमारे लिए ना। तो इसीलिए जब अनाथ की हम लोग बात करते हैं, ऑर्फन की जब बात करते हैं, कोई भी माँ पिताजी जो है जान बूझ कर जो है अपना बेटी बेटा को छोड़ के नहीं जाता, इसको भी आप लोगों को पता है कि आज मैं अनाथ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा माँ पिताजी जान बूझ करके मुझे छोड़ करके चला गया है। उन्होंने भी सोचा होगा कि जब अपना बेटा को बेटी को जब पालूंगा तो उनको अच्छा आदमी बनाऊंगा, अच्छा पढ़ा लिखाऊंगा, अच्छा ऑफिसर बनाएगा, सोचा होगा। लेकिन कुदरत का खेल होता है कि शायद इस उम्र तक मेरा माँ पिताजी हमारे साथ या आपके साथ नहीं रहे होंगे, ये भी एक ईश्वर का ही देन है। तो इसको भी आपको ये मान के चलना है कि वो भी भगवान का ही देन है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये था माँ पिताजी के बारे में। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, अरुणाचल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन है, बहुत सारे हैं। जैसे अभी सारपुर जी किया ना, अभी हिक्की की बात करेंगे, हिक्की में भी तो बहुत ब्रांच होगा, क्योंकि उनका फिर एक फैमिली वाला बड़ा बड़ा होता है, फिर यूथ विंग होता है, फिर वुमेन विंग्स भी होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में आपको हर गली में दिखाई देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज का समय को चोर करके जिसे सोसाइटी इन्होंने बनाई, इनका तो पैसा कमाने का ये मोटिव से नहीं है, इनका मकसद ये है कि अपना जो है पिछड़े हुए भाई को, बहन को या फिर भैया को जो अलग अलग जगह में जो अभी हिके टाइटल जो लोग लिखता है उसको एक घर में ला सके, उसको एक भाई बहन का पहचान दे सके कि हाँ आप मेरा भाई है, आप मेरा बहन है, ऐसे पहचान के लिए वो सोसाइटी बनाया है। ये आप लोगों को भी पता है, सर को भी पता है। लेकिन दूसरा सोसाइटी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि वो पैसा बनाने के चक्कर में काम करता है कि हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनेगा तो हमको गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस देगा या फिर कोई सोसाइटी जो उसको इम्पोर्टेंस देगा, ये सोचकर बनाता है। लेकिन ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आज के समय में सच में सोसाइटी के लिए काम नहीं करता है। और आज का डेट में सबसे ज्यादा नफरत जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नफरत मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ जो प्रेसिडेंट बोल के, सेक्रेटरी बोल के जो पोर्चुनर में घूमता है ना, उसको देखने भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया हुआ है ना, वो हमारा सोसाइटी का जो स्टूडेंट का जो है पैसा, उसको बेच करके पैसा कमाया हुआ है। वो कोई इशू उठाता है, लेकिन वो इशू को रात को जब बेच देता है तो करोड़पति बन जाता है, लेकिन जिसके लिए इशू उठाना चाहिए था वो जो है ऐसे का ऐसे रह जाता है, ये आप जानता है ना। तो इसीलिए अब जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन को, आप किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं लेगा, लेकिन आपको समझ रहा होगा कि ऐसा भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा भी यूनियन है जो सच में बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन कम दिखाई देगा, ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैं आप लोग से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑर्फन तो मैं भी बहुत साल पहले से था, सर ने जैसे कहा आपको, हम लोग भी उस समय पता नहीं था, आप 16 में फोन किया तो हम तो 16 आपको 2005 से अनाथ है, तो उस समय तो कोई खबर नहीं मिला कि ऐसे कोई भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। शायद उस समय पता चलता मैं भी आपके साथ ही, हाँ अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंबर है, क्योंकि आप भी तो ऑर्फन हो ना, आपका साथ आपका लाइफ में ही आएगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसे आपको यूनियन बाजी आपको एक्चुअली पसंद भी नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी बोलेगा कि हाँ आप एक ऑर्फन है, आपको भी साथ देना चाहिए, हम जरूर साथ देंगे, क्योंकि आप भी तो ऑर्फन है। तो इसीलिए आप लोग से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो ऑर्फन वेलफेयर जो सोसाइटी है, इसको आप लोग एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए हमने आपको एक यूनियन का या फिर सोसाइटी का बारे में बोला है कि एक ऐसे सोसाइटी होना चाहिए जो सच में ऑर्फन के लिए काम करे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में कितना ट्राइब है उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मैक्सिमम अभी आप देख रहे हैं तो आप लोगों को निशी लड़का लड़की होगी है ना, एक जगह। तो ये मेरा कहने का ये मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कमजोर करने का, और नहीं बोलेगा आप लोगों को फ्यूचर में फिर एक बार ऐसे बेटर होता है तो आदि गलो अपाता नहीं वो उनका सब ट्राइब से एक एक को लीजिए ना, तभी जाकर के फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा। आपको यहाँ से तवंग जाना होगा, एक जाकर तवंग जाना होगा, तवंग में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा तो वही आपको रहने के लिए अरेंज करेगा, क्योंकि आपको इतना पैसा वाला नहीं है कि आप लोग होटल में रह सके, आपको वहां भी जाकर के किसी ऑर्फन का घर में ही बैठना है कि वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे पानी पी रहा है, कैसे अपना भाई बहन को कैसे पाल रहा है, आपको उसी के साथ ही जाना पड़ेगा।
लेकिन पहले हम एक ओपन सोसाइटी बराबर एक देखा था, लेकिन वो ओपन सोसाइटी तो पोर्चनर में घूमता है तो हम समझ में नहीं आता ये सच में ओपन के लिए काम कर रहा है ना, खुद तो पोर्चनर में घूम रहा है लेकिन वो तो सोता भी तो होटल में बराबर होटल में सोता है, लेकिन वो ओपन के लिए कैसे काम कर सकेगा। ये सच्चाई आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब आप ओपन के लिए काम करने जा रहे हैं तो आप ओपन का हालत को तो आपको जानना पड़ेगा ना कि क्या हालत है। तो ऐसे होकर के आपको सभी क्राइम्स को मिलाना पड़ेगा, तभी जा करके आपको एक चीज डाटा निकलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में सिंस 2010 से लेकर के या फिर 2018 से लेकर के अभी जो 2024 चल रहा है तो इसमें हमारा अरुणाचल में कितना ओपन है और ओपन स्कूल कितना है ना, क्योंकि ओपन होकर के भी आजकल जो है भाई या फिर दीदी जो है अच्छा कमाई करने वाला है जो अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ओपन है जो सच में जो उसको जो है समाज जो है नहीं देख रहा है, वो अपना पैसा का अभाव में अपना भाई बहन का अभाव में जो है आज सड़क में घूम रहा है और मतलब छोटा छोटा काम कर रहा है, बहुत टैलेंट है लेकिन उसको मतलब रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो इसको आपको एक पॉइंट ले जा करके कि कौन सा ओपन है जो सच में अच्छा एजुकेशन लेना चाहता है अच्छा टैलेंटेड है उसको आपको रास्ता दिखाना चाहिए, तभी आपका एक एग्जाम्पल से देता है।